है हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी 131 के लेसन 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग लेसन 2 मतलब अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके जो टॉपिक्स हैं उसका एनालिसिस करने वाले हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसने दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का है। ठीक है दोस्तों, कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे है आप लोगों के बुक में। तो दोस्तों ये रहा वो टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध। इसी टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन दिया हुआ है, आकलन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहीं पे उसने लिखा, राजनीतिक सिद्धांत और उसके समानार्थी शब्दों जैसे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच अंतर किया जा सकता है। तो इसी जगह से इस क्वेश्चन को उठाया गया। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उसको डिस्कस करते हैं, साथ में ये टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है राजनीतिक सिद्धांत केवल मात्र राजनीति का सिद्धांत ही नहीं है, यह राजनीति का विज्ञान भी है, उसका दर्शन भी है। सिद्धांत के रूप में बलहम बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त प्रतिमान है, राजनीतिक सामग्री के आकलन व विश्लेषण हेतु एक क्रमबद्ध पथ प्रदर्शक है। देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है यह केवल राजनीति का सिद्धांत ही नहीं है, यह राजनीति का विज्ञान भी है। मतलब राजनीति के विज्ञान के अंतर्गत ये राजनीतिक सिद्धांत को समाहित किया गया और उसका दर्शन भी है। हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है और राजनीतिक दर्शन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्धांत के रूप में बलहम का कहना है कि यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह राजनीतिक व्यवस्था का, जैसे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका एक अमूर्त प्रतिमान होता है, और यह जो राजनीतिक सिद्धांत है तो ये राजनीतिक सामग्री के आकलन विश्लेषण हेतु एक पथ प्रदर्शक है। तो अभी अभी मैंने चर्चा की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो इसके अंदर मौजूद सामग्री, मतलब ये इस लोकतांत्रिक अंदर व्यवस्था के अंदर मौजूद सामग्री से मेरा तात्पर्य है कि उसमें जो भी तत्व मौजूद है जैसे संसदीय, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह के जो तत्व हैं उनके विश्लेषण हेतु एक क्रमबद्ध पथ प्रदर्शक का काम राजनीतिक सिद्धांत करता है। अब इसी सिद्धांत के लिए एंड्रयू हैकर का मत है कि कि सिद्धांत के रूप में राजनीतिक सिद्धांत आदर्श रूप में निष्पक्ष व तटस्थ है। एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकता को बिना किसी लाग लपेट के बताता है। दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत आचरण के उन सभी नियमों की व्याख्या करता है जो समाज में सभी के लिए उत्तम जीवन की कामना करता है। तो इस मतलब ये जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें एंड्रयू हैकर का जो मत है वो, उसका कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है यह बिल्कुल निष्पक्ष है, तटस्थ है, बहुत ही मतलब साफ सुथरा है। ठीक है, और यही राजनीतिक सिद्धांत जब विज्ञान रूप में आता है तो एक राजनीतिक विज्ञान जो है क्या करता है, राजनीतिक वास्तविकता को, मतलब राजनीति के अंदर क्या चल रही है उसको बिना लाग लपेटे सत्यता से हम लोगों को अवगत करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या चोरी चकारी घुसखोरी चल रही है, ये बातें हमें जो भी चीज बताता है ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अब है दर्शन के रूप में, अभी मैंने तीन चीजों की चर्चा की थी, सिद्धांत, विज्ञान और दर्शन या चिंतन। तो एक दर्शन के रूप में जो ये राजनीतिक सिद्धांत है ये उन सभी नियमों की व्याख्या करता है जो समाज के लिए एक उत्तम जीवन की कामना करता है। जैसे कि किसी भी समाज में कोई व्यक्ति अपने जीवन अच्छे तरीके से कैसे व्यतीत करे, इन सभी चीजों की व्याख्या हमें राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पे क्या डिस्कशन हम लोगों का है चलिए देखते हैं। तो आगे का टॉपिक ये वाला रहा, डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं और सामान्य सिद्धांतों का बुना हुआ एक जाल है जिसमें हम सरकार, राज्य और समाज की मुख्य विशेषताओं, उनकी प्रकृति व उद्देश्यों से संबंधित विचारों, मान्यताओं व वक्तव्यों तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। देखिए डेविड हेल्ड का कहना है कि यह जो राजनीति है यह हमारे राजनीतिक जीवन के जो भी
राजनीतिक जीवन संबंधी जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी विषय हैं, उसका एक जाल है जिसमें सरकार, राज, समाज, मुख्य जो है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सभी मिलकर राजनीति में मौजूद उनकी मुख्य विशेषता, प्रकृति व उद्देश्य संबंधित विचारों, मान्यताओं और वक्तव्यों का अध्ययन हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। तो ये टॉपिक भी खत्म हुआ, चलिए आगे की ओर इस वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो राजनीतिक विज्ञान कोर्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक घटना चक्र का मूल्यांकन, उसकी व्याख्या और भविष्यवाणी करने वाले चिंतन का समूह है। राजनीति शास्त्र के उप क्षेत्र के रूप में इसका संबंध राजनीतिक विचारों, मूल्यों और संकल्पनाओं और राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या तथा भविष्यवाणी से। देखिए, राजनीतिक विज्ञान कोर्स का कहना है कि यह जो राजनीतिक सिद्धांत है, यह एक घटना चक्र है का किसी भी राजनीतिक घटना चक्र का मतलब धीरे धीरे घटित हो रही घटनाओं का मूल्यांकन करता है और उसकी व्याख्या और भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये राजनीतिक शास्त्र के उप क्षेत्र के रूप में ये जो इसका जो संबंध है राजनीतिक विचारों, मूल्यों व संकल्पनाओं और राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या तथा भविष्यवाणी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि यह जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक दृश्य घटना प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं पर और उसमें वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर उसे दर्शन शास्त्रीय अथवा नीति शास्त्रीय निष्कर्ष के अधीन कर प्रकाश डालता है। वह सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था संबंधी प्रश्नों को संज्ञान लेता है, प्रश्नों को संज्ञान में लेता है जो एक बृहत्तर और एक अधिक बुनियादी प्रश्न का हिस्सा है, नामतः उस जीवन का आदर्श जो कि मनुष्य को एक बृहत्तर समुदाय में रहकर जीना चाहिए। देखिए, अभी अभी मैंने राजनीतिक सिद्धांत की बात की, अब हम लोग राजनीतिक चिंता सॉरी राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं। तो ये जो राजनीतिक विज्ञान है, यह एक राजनीतिक दृश्य घटना है, प्रक्रिया है, और यह वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर दर्शन शास्त्रीय और नीति शास्त्रीय निष्कर्ष को अपनी संज्ञान में लेकर राजनीतिक विज्ञान किसी भी चीज पर प्रकाश डालता है, ठीक है। और वह सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था संबंधी प्रश्न को संज्ञान में लेता है, और राजनीतिक विज्ञान का काम यह है कि वह जो है किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके, उस प्रश्न को अपने और समाहित करता है और उसके हल ढूंढने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो राजनीति विज्ञान में किसी भी चिर सम्मत उत्कृष्ट साहित्य में महान साहित्य कृतियों के अनिवार्य तत्व होते हैं जो कि अपने स्थानीय परिवेश में रहकर भी जीवन व समाज की चिर स्थायी समस्याओं को निपटाता है। इसमें शाश्वत ज्ञान का सार तत्व होता है और वह किसी एक संस्कृति, स्थान, जन समाज अथवा समय की नहीं बल्कि समग्र मानव जाति की धरोहर होती है। देखिए, ये जो राजनीतिक विज्ञान है, यह जो है किसी भी चिर सम्मत उत्कृष्ट साहित्य में महान साहित्य कृतियों के अनिवार्य तत्व होते हैं। देखिए, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे लोगों, बहुत सारे राजनीतिज्ञ द्वारा जो चिंतन किए होते हैं वो उसके अंदर समाहित होते हैं, और ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं अपने स्थानीय परिवेश में रहकर जीवन व समाज में जो समस्याएं होती हैं उसको निपटाने के तरीकों को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं। और यह जो है राजनीतिक विज्ञान, इसके अंदर शाश्वत ज्ञान का सार तत्व समाहित होता है, और यह किसी एक संस्कृति, स्थान या किसी एक जन समाज के लिए नहीं अपितु पूरे समग्र मानव मतलब सभी मानव जाति के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि वे अपनी सीमाओं व क्षेत्रों के लिहाज से ही भिन्न होते हैं, अपने उद्देश्य में नहीं। देखिए, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है और ये जो राजनीतिक विज्ञान है, इसके बीच में कोई मतभेद नहीं होता, क्योंकि ये जो है अपने अपने सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं, ठीक है। भले ही इनके कार्य भिन्न हैं, लेकिन इनके उद्देश्य जो है वो सेम होते हैं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत की मैंने अभी भी बात की, उसमें कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है निष्पक्ष तटस्थ होता है, और यह जो है हर सरकार को, राज्य को, समाज को एक जाल के रूप में जोड़ता है जहाँ पर जो है मनुष्य अपने विचारों, मान्यताओं एवं वक्तव्यों का अध्ययन करता है। और राजनीतिक विज्ञान का क्या काम है कि वह अपने परिवेश में रहकर जो समस्याएं होती है उसको ढूंढ कर उस समस्याओं को दूर करने का विज्ञान राजनीतिक विज्ञान है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से तर्कसम्मत हैं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत भी अपने जगह सही है और राजनीतिक विज्ञान भी अपने जगह सही है, लेकिन
आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया, दोनों का जो उद्देश्य है वो एक समान ही है, और वो है मानवाधिकार, मानव समाज में मौजूद समस्याओं को निपटना किसी न किसी तौर से। या तो एक का काम है समस्याओं को बताना, उसका अध्ययन करना, दूसरे का काम है उसका उत्तर ढूंढना। तो आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो है विश्लेषण, वर्णन, स्पष्टीकरण एवं समालोचना के उद्देश्य से विचार, धारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि बदले में राजनीतिक विज्ञान में शामिल कर लिए जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, समाज में मौजूद समस्याओं को खोजता है, उसका स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास करता है, समालोचना के उद्देश्य से विचार, धारणा इत्यादि सभी प्रस्तुत करता है, और राजनीतिक विज्ञान क्या करता है, उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं गेमाइन और सेबाइन के बारे में, क्या लिखा है गेमाइन और सेबाइन ने। देखिए, तो ये गेमाइन और सेबाइन लिखते हैं कि राजनीतिक चिंतन राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रतिवाद है, क्योंकि चिंतन हाल ही की उपज है। देखिए, गेमाइन और सेबाइन का कहना कि ये जो राजनीतिक चिंतन, अभी अभी मैंने यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच भेद कीजिए। तो अभी राजनीतिक सिद्धांत की बात हम लोगों ने कर ली, राजनीतिक विज्ञान की भी बात कर ली, अब राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं। तो यह जो गेबाइन और सेबाइन है ये लिखते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है ये राजनीतिक सिद्धांत का ही एक प्रतिवाद है, मतलब एक हिस्सा है, क्योंकि चिंतन जो है हाल ही की उपज है। अब बढ़ते हैं आगे, गेमाइन जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की दोहरी भूमिका होती है, वैज्ञानिक और दार्शनिक। तो गेमाइन का कहना है कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके अंदर दो तत्व मौजूद होते हैं, एक होते हैं वैज्ञानिक और एक होते हैं दार्शनिक। यह घटनाओं का क्रमबद्ध परीक्षण करके वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों पद्धतियों से करता है, सॉरी। तो यह जो है घटना किसी भी घटना का जो है परीक्षण, मैंने कहा समाज में मौजूद समस्याओं को खोजता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है समाज में मौजूद समस्याओं और घटनाओं को दो तरीके से खोजता है, एक वैज्ञानिक तरीके से और एक दार्शनिक तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए पृष्ठ को आगे बढ़ा ले थोड़ा, तो यहाँ से शुरुआत करना। तो देखिए, सिद्धांत और दर्शन के अलग, राजनीतिक चिंतन समग्र समुदाय का ही चिंतन है। देखिए, सिद्धांत और दर्शन से अलग राजनीतिक समुदाय, सॉरी, राजनीतिक चिंतन समग्र समुदाय का चिंतन है, जिसमें उसमें के सुस्पष्ट भागों जैसे पेशेवर राजनीतिज्ञों, राजनीतिक टीकाकारों, समाज सुधारकों व किसी समाज समुदाय के साधारण व्यक्तियों के लेख और भाषण होते हैं। यह चिंतन राजनीतिक संधियों, पांडित्यपूर्ण लेखों, भाषणों, सरकारी नीतियों व निर्णयों तथा पद्य तथा गद्य के रूप में भी हो सकता है, जो लोगों के संताप पर ले। देखिए, यह जो राजनीतिक चिंतन है यह सिद्धांत और दर्शन दोनों से भिन्न होता है। जैसे कि सिद्धांत की बात मैंने की, यह किसी एक निश्चित सरकार, राज और समाज में जो मौजूद है ये उन विशेषताओं को, उनमें मौजूद समस्याओं के प्रश्नों को खोजता है, ठीक है। और दर्शन क्या करता है, बस प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, समस्या क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन यह जो समुदाय, जो राजनीतिक चिंतन है, यह है कि इसमें किसी पेशेवर राजनीतिक, राजनीतिक टीकाकार, समाज सुधारक, इन सभी के विचार, व्यक्ति के लेख और भाषण छिपे होते हैं राजनीतिक चिंतन के अंदर। और यह जो राजनीतिक चिंतन है पांडित्यपूर्ण लेखन लेखों, भाषणों, सरकारी नीतियों व निर्णयों तथा गद्य तथा पद्य के रूप में भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, लोगों के कष्ट को हर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले। तो संक्षेप में, जो राजनीतिक चिंतन में वे सिद्धांत शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार और उसके मूल्यांकन हेतु, मूल्यों व उस पर नियंत्रण हेतु तरीकों को स्पष्ट करते। तो संक्षेप में राजनीतिक चिंतन का ये मतलब है कि उसके अंदर वे सारे राजनीतिक सिद्धांत शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार और उसके मूल्यांकन, जो कि हमारे समाज में मौजूद व्यवहार है उसके मूल्यांकन हेतु, मूल्यों उसके मूल्यांकन, उसको देखने के लिए, उसकी परख करने के लिए, मूल्यों को और उस पर नियंत्रण करने के तरीके को बताता है, कौन, राजनीतिक चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले लाइन में, इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत चिंतन से भिन्न किसी एक व्यक्ति द्वारा निराधार कल्पना की ओर संकेत है। इस प्रकार जो है राजनीतिक सिद्धांत चिंतन से अलग होता है, जैसा कि चिंतन पे डिस्कस किया हम लोगों ने, यह चिंतन से अलग होता है राजनीतिक सिद्धांत। फिर यह जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा निराधार कल्पना की ओर संकेत है। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो किसी सरकार, राज्य और समुदाय या फिर मुख्य विशेषताओं को
किसी के समाज के मुख्य विशेषताओं समस्याओं को खोजने का काम करता है। तो इस तरह ये जो राजनीतिक सिद्धांत है यह एक व्यक्ति द्वारा निराधार कल्पना की ओर संकेत करता है, जो प्रायः व्याख्या के आदर्शों के रूप में संधियों से सुस्पष्ट होता है। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह व्याख्या मतलब इसकी व्याख्या की जाती है तभी ये स्पष्ट होते हैं। इसमें संस्थाओं के सिद्धांत आते हैं। मैंने अभी भी जस्ट कहा कि इसमें संस्थाओं, राज्य के कानून, प्रतिनिधित्व और चुनाव के सिद्धांत आदि शामिल होते हैं। चलिए हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि राजनीति सिद्धांत एक दर्शन और एक विज्ञान के रूप में, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए इस प्रश्न को एनालिसिस करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपके स्टडी मटेरियल में ये टॉपिक कहाँ पे है। तो दोस्तों आपका जो ये राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन और एक विज्ञान के रूप में, इससे आप क्या समझते हैं, इसी टॉपिक के अंदर इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह लियो स्ट्रॉस जैसे विद्वान के द्वारा बहुत अच्छे तथा सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ता से अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है, परंतु समग्र दर्शन राजनीतिक दर्शन नहीं है। यह जो कहा जा रहा है कि हम जितने भी दर्शन करते हैं, जितने भी प्रश्न अपने से पूछते हैं, जितने भी प्रश्नों के हल ढूंढते हैं, यह राजनीतिक दर्शन नहीं है। जिस प्रकार समग्र राजनीतिक सिद्धांत दर्शन नहीं है, जिस तरह से समग्र जो राजनीति का सिद्धांत है वो दर्शन नहीं है, उसी तरह समग्र दर्शन राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। एक गूढ़ अध्ययन के रूप में सामान्यतः संपूर्ण ब्रह्मांड को और विशेषतः आदर्शों, मानकों व मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दर्शन ही पूरे संसार पर नियंत्रण करने वाले सामान्य नियमों का सार योग है। देखिए तो एक अध्ययन के रूप में सामान्यतः संपूर्ण ब्रह्मांड को और विशेषतः आदर्शों, मानकों व मूल्यों को अपने अंदर में समाहित करते हुए, सारी चीजों को अपने अंदर में समाहित करते हुए, ये जो दर्शन है पूरे संसार पर नियंत्रण करने वाला जो सामान्य नियम है, पूरे संसार में समाज में जो नियम है उन सभी मूल्यों का, उन सभी नियमों का सार योग ही दर्शन है। इसे अपने मूल्यांकनात्मक कारक के रूप में युगों युगों तक राजनीतिक सिद्धांत को भली प्रकार संतुष्ट किया है, जैसे कि सेबाइन ने कहा है। तो देखिए सेबाइन का कहना है कि राजनीतिक दर्शन जो है मूल्यांकनात्मक रूप में, मूल्यांकनात्मक कारक के रूप में बहुत दिनों से, बहुत पूर्वों से, बहुत युगों युगों पूर्व से राजनीतिक सिद्धांत को संतुष्ट करता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का काम है समस्याओं को खोजना, राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक विज्ञान का काम है उसके समाधान ढूंढना, राजनीतिक चिंतन का काम है कि अपने स्वतंत्र विचार राजनीति के प्रति प्रकट करना, फिर चाहे वो नेता हो या फिर कोई राजनीतिविद हो, इस तरह से। और राजनीतिक सिद्धांत सॉरी राजनीतिक दर्शन जो है यह क्या करता है, हर राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यांकन, राजनीतिक सिद्धांत का मूल्यांकन करता है, और इस रूप से यह जो है राजनीतिक सिद्धांत को भले प्रकार से संतुष्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैंट के अनुसार दर्शन के तीन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। कैंट ने दर्शन ने तीन प्रश्नों का उत्तर दिया। कैंट कहते हैं कि दर्शन तीन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं किससे किसकी आशा कर सकता हूँ। तो दर्शन का काम है इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देना, और यही है जो दर्शन को जीवन का एक ध्रुव तारा बना देता है। बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे कहना है हमारे कैंट साहब का कि मैं क्या जान सकता हूँ, सत्य है, आप आखिर क्या है, आप क्या सीख सकते हैं, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे तो उत्तर भी आपको ही मिलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जो जान सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह आपको दर्शन बताएगा, ठीक है। वह मैं किसकी आशा कर सकता हूँ, अगर आप जब कुछ करेंगे तभी तो आप किसी रिजल्ट की, किसी परिणाम की आशा कर सकते हैं। तो यही जो है दर्शन को जीवन का ध्रुव तारा बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता। देखिए अगर हम लोग सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या जानना है, मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। और हमारे राजनीतिक सिद्धांत का काम है समस्याओं को खोज निकालना। अगर काम ही नहीं करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक समस्याएं नहीं आएंगे, और राजनीतिक समस्याएं नहीं आएंगे तो राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया है बिना दर्शन के कोई भी राजनीतिक सिद्धांत कभी अस्तित्व में नहीं रह सकता। अगर भविष्य पर नजर रखे बगैर कोई भी वर्तमान कभी कायम नहीं रह सकता।
क्योंकि कोई भी वर्तमान अपने अतीत के बगैर नहीं डटा रह सकता। अगर यहाँ कहना है कि अगर हम भविष्य को नहीं देखें तो वर्तमान हमारा कभी भी कायम नहीं रहेगा, और अगर हम अपने अतीत को नहीं देखें तो हम अतीत से सीखकर वर्तमान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है, क्योंकि यह न सिर्फ विषयों की प्रकृति को जानने की चेष्टा करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि विषय वस्तुतः क्यों अस्तित्व रखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, तो राजनीतिक सिद्धांत एक रूप से दर्शन हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का काम है कि आखिर विषयों की प्रकृति क्या है, विषयों में मौजूद समस्याएं क्या है। ठीक है, तो यह जो समस्याएं हैं इन सभी चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास, और आखिर विषय वस्तु, आखिर यह समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, इन सबको जानने का प्रयास राजनीतिक सिद्धांत करता है। इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन के रूप में भी जाना जा सकता है। अब है आगे कि सिद्धांत से भिन्न रूप में दर्शन एक बुद्धि हेतु खोज है, अथवा जैसा कि स्ट्रॉस दृष्टिकोण रखते हैं, सार्वत्रिक ज्ञान हेतु, समष्टि के ज्ञान हेतु खोज। देखिए, तो यह जो सिद्धांत है, सॉरी, यह जो सिद्धांत के रूप में दर्शन है, सिद्धांत से भिन्न दर्शन है, यह जो है बुद्धि हेतु खोज है। मतलब अगर मुझे करना क्या है, इसका क्या परिणाम होगा, इन सभी चीजों का जो खोज है यह दर्शन करता है। तो इस तरह से यह जो दृष्टिकोण था, यह स्ट्रॉस का दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा था कि सार्वत्रिक ज्ञान हेतु, सभी ज्ञान हेतु, समष्टि के ज्ञान हेतु खोज, तो यह स्ट्रॉस साहब ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों को तथा सटीक अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को यथार्थवत जानने का प्रयास। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, यह एक तरह से दर्शन भी है। तो राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों को, देखिए जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं, उन सभी को सटीक अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को जानने का प्रयास जो है वो राजनीतिक सिद्धांत करता है, समस्याओं को खोजता है, तो उसकी प्रकृति को जानने का प्रयास राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो आगे लिखा गया, राजनीति वो नहीं है जिसका अभिग्रहण अथवा मतग्रह किया जाता है। दरअसल एक राजनीति सिद्धांती की से उम्मीद की जाती है कि एक से अधिक अभिधारणाएं अथवा मत रखे उसको जानकारी रखनी पड़ती है। दर्शन तब प्रकट होता है जब मत अभिधारणा ज्ञान की ऊंचाइयां छू लेती है, और यही है कि जो यथार्थतः राजनीति सिद्धांत का काम है। देखिए, तो ये जो राजनीति सिद्धांत होता है, यह क्या करता है, किसी समस्याओं को सटीक खोजता है, ठीक है, और उसकी प्रकृति को समझाने का प्रयास करता है। अब दर्शन क्या करता है, यह जो राजनीति है, यह जो है, यह वह नहीं है जिसमें अभिग्रहण और मताग्रह होता है। अब राजनीतिक सिद्धांती से यह उम्मीद की जाती है कि वह अधिक से अधिक अवधारणाएं, मतलब अधिक से अधिक समस्याओं को खोजे और उसकी जानकारी रखे। अब दर्शन क्या करता है कि वह अभिधारणा ज्ञान की ऊंचाई छू लेती है, और यही है जो यथार्थ राजनीतिक सिद्धांत का। तो अब दर्शन क्या करता है, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का कोशिश, मतलब उत्तर खोजने का प्रयास करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों की प्रकृति के द्वारा, अब राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दर्शन बनकर राजनीतिक विषय की प्रकृति के ज्ञान द्वारा राजनीतिक विषयों की प्रकृति के विषय में मतों अवधारणाओं का स्थान ले लेने का एक प्रयास है। अब ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दर्शन के रूप में राजनीतिक विषय की प्रकृति को जानने के लिए, उसमें मौजूद अवधारणाओं को जानने के लिए वह क्या करता है, राजनीतिक दर्शन का स्थान ले लेता है राजनीतिक सिद्धांत, और उन प्रश्नों के हल खोजने लगता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का एक अनिवार्य अवयव, राजनीतिक सिद्धांत के अनिवार्य अवयव हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कि वे दर्शन के अनिवार्य अवयव हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का अपना अनिवार्य अवयव है, और यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह दर्शन का एक अनिवार्य अवयव है। प्रत्येक राजनीतिक दर्शन शास्त्री को अपने हक में अध्यापक बनना पड़ता है, उसे प्राध्यापन करना पड़ता है, उसे अध्यापन करना पड़ता है, उसे प्रतिपादन करना पड़ता है। प्रोफेसर वर्मा इसलिए कहते हैं कि प्रतिपादन का लक्ष्य राजनीतिक सिद्धांतों के साथ हमेशा सामने हमेशा रहता है। देखिए, तो राजनीतिक दर्शन शास्त्री जो राजनीतिक दर्शन करते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं को खोजता है, तो राजनीतिक दर्शन शास्त्री उसको दर्शन के रूप में उसके समाधान खोजने का प्रयास करने लगता है, और इसके लिए वह राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ता है, मतलब उन समस्याओं को पढ़ता है, उसके बाद उसका प्रतिपादन करता है। इस तरह से प्रोफेसर वर्मा इसलिए कहते हैं कि प्रतिपादन का जो लक्ष्य है वो राजनीतिक सिद्धांत के सामने हमेशा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद मैं बहुत आगे चला गया हूँ, कागज, ये पेपर को मैंने बढ़ाया नहीं है, एक पेज मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैं क्षमा चाहता हूँ।
अब आगे है कि राजनीतिक सिद्धांत न सिर्फ व्याख्या करता है बल्कि अनुकूलतः अथवा प्रतिकूलतः प्रभावित भी करता है। एक राजनीतिक गतिविधि के मूल्यांकनात्मक परिप्रेक्ष्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि उसके तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य। देखिए, एक राजनीतिक सिद्धांत जो है यह व्याख्या करता है समस्याओं का और यह जो है किस तरह से समाज को अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावित करेगा उसको भी खोजता है। एक राजनीतिक गतिविधि जो है वह मूल्यांकनात्मक परिपेक्ष उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि उसके एक राजनीतिक गतिविधि जो होती है उसके मूल्यांकन रूपी परिणाम आखिर समस्याएं क्या हैं और उसके अंदर मौजूद तथ्यों का संग्रह एक राजनीतिक गतिविधि और एक राजनीतिक सिद्धांत करता है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में, यह शायद हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है, ठीक है। इस बात पर आर्थर बेंटली से लेकर जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टर्न और रॉबर्ट डल तक विद्वानों द्वारा प्रभावशाली ढंग से जोड़ दिया गया, परंतु समग्र विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे समस्त राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है, इस बात पर जो बहुत सारे लोग सहमत थे, बहुत सारे राजनीतिक विद सहमत थे, जैसे आर्थर बेंटली, जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डाल, ये सारे विद्वान सहमत थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि समग्र विज्ञान, जित पूरा का पूरा राजनीतिक विज्ञान जो है वो राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, और इसी जैसे कि समस्त का समस्त राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान नहीं है। अब चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में एक विज्ञान नहीं है जैसे कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र या गणित शास्त्र एक विज्ञान। तो ये जो कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इस तरह का विज्ञान नहीं है जैसा कि हम लोग अपने निजी जीवन में देखते हैं, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, यह बिल्कुल इस रूप में कोई विज्ञान नहीं है। मतलब इनका कहना है कि यह जो राजनीतिक सिद्धांत है इस तरह का कोई विज्ञान नहीं है जैसे कि ये प्राकृतिक अथवा भौतिक विज्ञान है, जैसा कि ये भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत उस भांति कोई सार्वत्रिक रूप से मान्य सिद्धांत नहीं होते हैं, न अस्पष्ट कारण प्रभाव संबंध होते हैं, न प्रयोगशालाएं होती है और न ही पूर्वानुमान लगाए जाते हैं जिस प्रकार ये प्राकृतिक व यथार्थ विज्ञानों में पाए जाते हैं। तो आगे कहा गया है कि यह जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका कोई जो है सार्वत्रिक रूप से कोई मान्य सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है, और न ही इसका कोई स्पष्ट कारण होता है, न प्रभाव होता है, न ही इस राजनीतिक विज्ञान के लिए प्रयोगशाला होती है, न ही राजनीतिक विज्ञान के लिए कोई पूर्वानुमान लगाया जाता, मतलब पूर्व में अनुमान लगाया जाता है, जैसा कि इन प्राकृतिक व यथार्थ विज्ञानों में जो हम लोग अभी निजी जीवन में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सारी चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिखा गया है कि यह एक विज्ञान है जहाँ तक कि यह उन संकल्पनाओं व मानदंडों को स्वीकार करता है जो प्रेक्षणीय व परीक्षणीय दोनों हैं और जहाँ तक कि यह विवेक और बुद्धिवाद की आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, अब राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक सिद्धांत रूपी जो विज्ञान है, यह उन संकल्पनाओं और मानदंडों को स्वीकार करता है जो कि प्रेक्षणीय और परीक्षणीय दोनों है। देखिए, यह जो राजनीतिक सिद्धांत रूपी विज्ञान है यह हर चीजों को स्वीकार करता है जिसके अंदर जिसको परीक्षण करना होता है, जिन समस्याओं का परीक्षण करना होता है, जिन समस्याओं को देखना होता है, और उसका बुद्धि और विवेक से उसको उस समस्याओं का निवारण करना होता है। सामान्यतः तो अमेरिकन समाज विज्ञान अन्वेषकों ने और विशेष रूप से व्यवहारवादियों ने राजनीति का एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में उस ओर जुटे जिसे आवाख्यावाद कहा जा सकता है। देखिए, अमेरिका में जो है अमेरिकन समाज विज्ञानियों ने व्यवहारवादियों ने राजनीति को एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया था और उसके लिए वो अपने आगे भी बढ़े और इसे अवाख्यावाद रिडक्शनिज्म कहा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है जहाँ तक कि वह हो सकता है वह वास्तव में किसी सामाजिक जनसमूह का पर प्रयोग किया जाता है तथा यथार्थ विज्ञानों के निर्णायक नियम सीमाओं के भीतर उसी प्रकार प्रयोज है जैसा कि सामाजिक विज्ञान में जैसा कि किसी सामाजिक विज्ञान। देखिए, अब राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है जो राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक विज्ञान है जहाँ तक कि वह हो सकता है, मतलब जहाँ तक संभव है, राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, और यह वास्तव में किसी सामाजिक जनसमूह पर प्रयोग किया जाता है जैसा कि हमारे समाज में मौजूद लोगों पर ही राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, और यह जो है विज्ञान के निर्णायक सीमाओं के भीतर ही काम करता है, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत के
जो है राजनीतिक विज्ञान के अंदर समाहित होता है, या राजनीतिक सिद्धांत। तो इस राजनीतिक विज्ञान की जो सीमाएं होती है, इसी सीमाओं के अंदर राजनीतिक सिद्धांत काम करते हैं। जैसा कि कोई सामाजिक विज्ञान के अंदर जिस सीमाओं के अंदर जैसा कि किसी सामाजिक विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत कोई समाज विज्ञानी सिद्धांत काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत मात्र एक सामाजिक विज्ञान है। तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, यह विज्ञान के रूप में एक बस एक सामाजिक विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। उस सीमा तक यह एक विज्ञान है, एक आदि विज्ञान, जैसा कि अरस्तु ने व्याख्या की थी। तो अरस्तु ने भी इसी तरह की व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत रूपी जो है राजनीतिक विज्ञान के लिए की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति को एक विज्ञान बनाने के लिए तथा राजनीति को यथार्थ विज्ञान बनाने के लिए तकनीकें व साधन ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रक्रिया में कोई राजनीतिक सिद्धांत शेष रहता है अथवा नहीं। देखिए, यह जो राजनीति है, इसको विज्ञान बनाने के लिए कहीं इसके लिए तकनीकें साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर कोई राजनीतिक सिद्धांत है या नहीं है, हम सीधे राजनीतिक विज्ञान को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में विज्ञान की भूमिका उस बिंदु तक सीमित रहनी चाहिए जहां तक कि यह किसी राजनीतिक दृश्य घटना को समझने में मदद करे, और उस बिंदु तक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रवेश मिलना चाहिए। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों, यह इसका जो है, इसको राजनीतिक विज्ञान में वहीं तक भूमिका, वहीं तक इसको रखा जा सकता है जहां तक कि यह किसी सामाजिक घटना को, किसी राजनीतिक दृश्य घटना को समझने में मदद करता है, उसी समय तक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत को रहने दिया जाता है, और यह उस बिंदु तक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रवेश मिलना चाहिए। तो इसी तरह विज्ञान को भी राजनीतिक सिद्धांत के उसी जगह तक प्रवेश मिलना चाहिए जहां तक कि यह राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसी बिंदु तक राजनीतिक विज्ञान को भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश सॉरी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रवेश मिलना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत आत्मपरकता के साहचर्य में वस्तुपरकता, मूल्यों के संबंधों में तथ्यों, सिद्धांतों के साथ ही अनुसंधान को स्वीकार करता है। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत निष्पक्ष और वस्तुपरक ज्ञान को जन्म देता है। तो आगे कहना यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, यह आत्मपरकता मतलब खुद को जानने के रूप में, वस्तुपरकता मतलब समस्याओं के जो समस्याओं सॉरी समस्याएं जो आती हैं उनको परखने का, उनके संबंधों को, उसमें मौजूद तथ्यों को, उसमें मौजूद जो भी सिद्धांत हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके अनुसंधान को स्वीकार मतलब उसके अनुसंधान को जगह मिलती है इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। विज्ञान के रूप में जो है, यह जो राजनीतिक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत जो है, यह निष्पक्ष और वस्तुपरक ज्ञान को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है चलिए देखते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न और राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर टिप्पणी कीजिए आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा राजनीतिक सिद्धांत का विकास। इसी टॉपिक के अंतर्गत आपका वो क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसी टॉपिक के। तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ इस टॉपिक को भी वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का विकास हमेशा उन परिवर्तनों को दर्शाता है जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घटते रहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित घटित घटनाओं, जन्मी समस्याओं का अध्ययन कर तार्किक ढंग से वैज्ञानिक मानकों पर तथ्यों की सत्यता की जाँच करने वाला विषय है। देखिए, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो विकास होता है, यह हमेशा उन परिवर्तन को दर्शाता है जो हमारे समाज में होता रहता है। जो हमारे समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हीं समस्याओं को देखकर प्रतिदिन राजनीतिक सिद्धांत का विकास और उत्थान होता रहता है, ठीक है। उन्हीं समस्याओं और परिवर्तनों को देखकर राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता रहता है। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है, यह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी संबंधित है, घटित संबंधित घटनाएं, घटित घटनाएं, जन्मी समस्याओं का अध्ययन कर तार्किक ढंग से वैज्ञानिक मानकों पर तथ्यों की सत्यता की जांच करने वाला विषय है। देखिए, तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये क्या करता है, हमारे समाज में मौजूद जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका तार्किक ढंग से वैज्ञानिक मानकों के साथ, ठीक है, मौजूद उस समस्याओं में मौजूद तथ्यों की सत्यता की जांच हमारा राजनीतिक सिद्धांत करता है।
अब आगे बढ़ते हैं। इसे राजनीतिक विज्ञान का प्रथम स्वरूप माना जाता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इस राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का प्रथम स्वरूप माना जाता है। अब चलिए, यह अभी भी विकसित अवस्था में, मतलब यह जो सिद्धांत है यह विकसित अवस्था में अभी तक हमारे समाज में मौजूद है। अब यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह एक अनुशासित विषय है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की संकल्पनाएं तथा धारणाएं निहित हैं। यह जो राजनीतिक हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है यह एक अनुशासित विषय है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की संकल्पनाएं तथा धारणाएं निहित हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न कालों में उभरने वाली चुनौतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होती है। जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों, यह बहुत सारे कालों में, मतलब पूर्व से चली आ रही समस्याओं की प्रतिक्रिया, समस्याओं की को खोजने के मतलब समस्याओं को खोजने के स्वरूप में यह राजनीतिक सिद्धांत जन्म लेता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास है उसका आधार समाज और राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन और घटित घटनाएं हैं। सही है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास होता है वो हमारे समाज में मौजूद परिवर्तन और राजनीतिक क्षेत्र में हो रही घटित घटनाओं से होता है। प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध एक विशेष परिवर्तन व स्थिति से जुड़ा होता है। देखिए, जितना भी राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता है उसका संबंध एक विशेष परिवर्तन व विशेष परिस्थिति से जुड़ा होता है। कि आखिर जैसे अभी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो वैश्विक महामारी के तौर पर हमारे देश में, हमारे विश्व में उभरा हुआ है, तो यहाँ पे अभी वैश्विक राजनीति चल रहे हैं, हर नेता चल रही है, हर नेता अपनी अपनी अपने अपने देशों को ठीक करने में, अपने अपने देशों में मौजूद लोगों को सामान्य रूप से ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ पर एक राजनीतिक सिद्धांत काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो परिवेश में परिवर्तन हुआ उसी के स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ। जैसे हमारे समाज में जो मौजूद समस्या है, तो जैसे अभी कोरोना वायरस की समस्या है, तो यह हमारा एक राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो इस राजनीतिक सिद्धांत का जो पदार्पण कहाँ से हुआ, तो हमारे समाज में जो मौजूद परिवर्तन हुआ, जो कोरोना आया, तो इस वजह से यहाँ पे एक राजनीतिक सिद्धांत का पदार्पण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध एक विशेष परिवर्तन व परिस्थिति से जुड़ा होता है जिसमें एक क्रांतिकारी बदलाव होने के परिणाम दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने बात की कोरोना संक्रमण, तो यह एक राजनीतिक सिद्धांत। अब इस राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोरोना वायरस ठीक हो जाए या गंभीर रूप ले ले, तो इससे ये समस्याएं हम लोगों के परिवेश में उपजी हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या कर रहा है, जैसे हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि लॉकडाउन कर रखा है पूरे देश को, तो इस राजनीतिक सिद्धांत के फलस्वरूप हमारे सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया ताकि इसके बेहतर परिणाम निकल सके। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध विज्ञान हेगेल ने इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था कि जब अधिकार की छाया का सूत्रपात होता है तब मिनर्वा का उल्लू उड़ान भरता है। यह हमारे प्रसिद्ध हेगेल ने कहा था। तो यहाँ पे उन्होंने इसको राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में अपने विचार के रूप में प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक चिंतन जिसका अस्तित्व भी राजनीतिक सिद्धांत की भांति सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, समय और स्थान के साथ बंधा होता है। देखिए, जो राजनीतिक चिंतन है यह जो है, इसका अस्तित्व राजनीतिक सिद्धांत की भांति सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा। राजनीतिक चिंतन से मेरा तात्पर्य किसी सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अभिभाषण देने वाले, इन सभी का जो चिंतन होता है, जो कि लेखों के रूप में, भाषणों के रूप में हम लोगों के समक्ष आते हैं, यह जो है राजनीति की भांति सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है और यह समय स्थान के साथ बंधा हुआ होता है। जैसे कि कोई नेता जो है अपने एक निश्चित क्षेत्र के बारे में ही सोचता है, कोई अभिभाषण करता एक निश्चित सीमाओं को बांध कर ही अपने अभिभाषण को लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से राजनीतिक चिंतन जो है इसके साथ समय और स्थान की परिसीमा है। अब आगे बढ़ते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न होता है, यह जो राजनीतिक चिंतन है यह राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न होता है। अब आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत काल रहित होता है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत हमारे आसपास मौजूद समाज में मौजूद समस्याओं से उत्पन्न होता है और हमारे समाज में हर वक्त कोई ना कोई समस्या उपजती ही रहती है, समस्या सामने आती ही रहती है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो काल रहित होता है, यह कोई निश्चित नहीं है, इसमें समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, यह विचारधाराओं और पूर्वाग्रहों से परिष्कृत और परमार्जित होता है। देखिए, यह जो राजनीतिक सिद्धांत है
यह विचारधाराओं और पूर्वाग्रहों से ही इसका समायोजन होता है और यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। राजनीतिक सिद्धांत केवल उन्हीं विचारधाराओं व चिंतन को अपने क्षेत्र में समाहित करता है जिससे मानव जीवन बेहतर बन सकता है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य काम होता है समाज में मौजूद उन समस्याओं को खोजना, उन प्रॉब्लम्स को खोजना जिससे कि उस समस्या का समाधान करके मानव जीवन को बेहतर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख मापदंड होते हैं, पहला होता है तथ्यात्मक, दूसरा होता है नैतिकतात्मक व तीसरा होता है मूल्यात्मक, जिसके द्वारा यह प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होता है। राजनीतिक सिद्धांत किसी भी प्रश्नों का उत्तर तीन विधि से दे सकता है, तथ्यात्मक, नैतिकतात्मक व मूल्यांकनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वैज्ञानिकता के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह जो राजनीतिक सिद्धांत है, वैज्ञानिकता मतलब किसी भी तथ्य को जानने के साथ साथ उसके नैतिक मूल्य क्या है, मतलब उसका सामाजिक मूल्य क्या है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कुछ विद्वान राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत के चरम विकास के रूप में देखते हैं। आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का विकसित रूप है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि यह जो वैज्ञानिकता के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी, तो कुछ विद्वान जो है राजनीतिक चिंतन को, जो कि एक प्रॉपर किसी आदमी का चिंतन होता है, सोच होता है, और फिर राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांतों के चरण विकास के, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के जो विकास में योगदान देते हैं वो है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत का विकसित, सॉरी यहाँ पे लिखा है आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का विकसित रूप है। देखिए, अभी जो राजनीतिक विज्ञान है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है, यह राजनीतिक सिद्धांत का ही विकसित रूप है। अंततः अंतिम में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास की चरम सीमा राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में निरंतर होने वाले परिवर्तनों और उपजती धारणाओं पर आधारित है। देखिए ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसका जो विकास है, इसके विकास की चरम सीमा जो है हमारे समाज में मौजूद, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद निरंतर होने वाले परिवर्तन और उपजती समस्याओं से ही, इन जो है समस्याओं से ही हमारे राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता है। चलिए, इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हुआ। शायद मैं आप लोगों को स्क्रॉल भगाना, स्क्रॉल करना भूल गया आप लोग के लिए, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो चलिए राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि आपके बुक में ये क्वेश्चन कहाँ दिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की, और चलिए उस प्रश्न को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग इसके इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का ये जो प्रश्न सामने रहा, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले सिद्धांत शब्द को समझना अनिवार्य बन जाता है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति थ्योरिया से हुई है, जिसका अभिप्राय मनन की अवस्था में समझने या ग्रहण करने के लिए गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना है। देखिए, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसको समझने से पहले हम लोगों को सिद्धांत शब्द को समझना जरूरी है। तो यह जो सिद्धांत शब्द है, इसका ही उत्पत्ति थ्योरिया शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय होता है मनन की अवस्था में समझने या ग्रहण करने के लिए गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग किसी भी चीज के लिए गंभीर सोचते हैं, विचारते हैं, और उसके लिए किसी भी वस्तु पर हम लोग बहुत गहन चिंतन करने के पश्चात उसके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो यही सिद्धांत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अर्नोल्ड ब्रेच के अनुसार सिद्धांत शब्द की व्यापक एवं संकीर्ण व्याख्या हो सकती है। देखिए, अर्नोल्ड ब्रेच ब्रेच का कहना है कि सिद्धांत शब्द का दो तरह से व्याख्या किया जा सकता है, एक तो बड़े तौर पर, एक छोटे तौर पे। तो व्यापक अर्थों में सिद्धांत का अर्थ होता है किसी विचारक के समस्त विचार, जिसमें तथ्यों का वर्णन, व्याख्या, विचार का इतिहास बोध, विचारक का इतिहास बोध, उसके मूल्य और उसके उद्देश्य, नीतियां तथा मूल्य तत्वों से संबंधित दूसरे सभी तत्व शामिल हों। संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत विचारों की व्याख्या है, बैच संकीर्ण अर्थ को बेहतर मानते हैं। देखिए, यह जो सिद्धांत है, इसका यह जो थ्योरी है, इसका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले कोई विचारक जो सोचता है, वो अपने समस्त विचारों को किसी भी विचार के अंदर मौजूद समस्त तथ्यों का वर्णन, उसकी व्याख्या और विचार के जो इतिहास बोध है, कहाँ से वो सोच रहा है, इन सभी चीजों का जो एक सार संग्रह ही हम लोगों का सिद्धांत होता है। और संकीर्ण अर्थ में सिद्धांत का मतलब होता है
व्याख्या करना, किसी भी चीज की व्याख्या करना, किसी भी चीज को वर्णन करना, मतलब किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक समझाना। और ब्रेंच जो है सिद्धांत के संकीर्ण प्रकृति को बहुत अच्छा मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि अक्सर सिद्धांत तथा उससे मिलते जुलते शब्दों के बीच भ्रम हो जाता है, क्योंकि उनके अर्थों में कुछ समानता मिल जाती है। सिद्धांत व्यवहार नहीं है। यह सही है कि व्यवहार से हम कुछ सीखते हैं, लेकिन सिद्धांत का आधार चिंतन होता है। सिद्धांत में एक वैचारिक ढांचा होता है जो कि व्यवहार में नहीं होता। चलिए देखते हैं कि यह जो सिद्धांत है इसे मिलते जुलते बहुत से शब्द हैं, लेकिन सबका मीनिंग सेम नहीं होता है, लेकिन बहुतों में समानता होती है और लोग दिग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए सिद्धांत कोई व्यवहार नहीं है। यह सही है कि व्यवहार में हम कुछ सीखते हैं, जो व्यवहार हम लोग करते हैं उससे लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सिद्धांत में ऐसा नहीं है। सिद्धांत जो है यह इसका जो आधार है वो चिंतन है, इसका आधार है सोचना। और सिद्धांत में वैचारिक ढांचा होता है, सिद्धांत में विचार सोचने का एक तरीका होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिद्धांत को अवधारणा कहना भी गलत होगा, क्योंकि अवधारणा में तथ्यों के बारे में काम चलाओ मान्यताएं निहित रहती है, जबकि सिद्धांत में सुनिश्चितता आवश्यक होती है। सिद्धांत दर्शन से भिन्न है, क्योंकि सिद्धांत केवल कुछ ही बातों से संबंधित होता है, जबकि दर्शन का संबंध सब कुछ या समग्रता है, समग्रता से। देखिए सिद्धांत जो है, सिद्धांत को अवधारणा कहना भी गलत होगा, क्योंकि देखिए अवधारणा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मान्यताएं हैं, वो गलत भी रह सकती हैं और सही भी है, अर्थात इसमें काम चलाओ मान्यताएं होती है, जबकि सिद्धांत में किसी भी चीज का सत्य होना आवश्यक है। सिद्धांत में हर चीज की सुनिश्चितता आवश्यक होती है। और सिद्धांत जो है वो दर्शन से भिन्न होता है, क्योंकि सिद्धांत जो है इसका जो है सीमा जो है वो बहुत छोटे बातों के लिए होता है, जबकि दर्शन का सीमा, दर्शन की जो सीमा होती है वो समग्र होती है, बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहा गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। किसी चीज के वर्णन में दर्शन बहुत कुछ जोड़ता है, सिद्धांत तर्क से मिलता जुलता है। दोनों ही वैज्ञानिक कहे जाते हैं, पर वस्तुतः तो सिद्धांत तर्क और विज्ञान से भी बहुत आगे देखता है। देखिए किसी भी चीज के वर्णन के लिए जो है उसमें तथ्यों को दर्शन जोड़ने का काम करता है। सिद्धांत क्या करता है, किसी छोटे क्षेत्र से समस्याओं को खोजता है, दर्शन उसमें मौजूद समस्याओं को तथ्यात्मक रूप से उसके उत्तर को खोजने का प्रयास करता है। सिद्धांत जो है वो तर्क से मिलता जुलता है, जैसे कोई किसी बात के लिए तर्क दिया जाता है, लेकिन सिद्धांत में भी बहुत सारी बातें लिखी होती है, लेकिन सिद्धांत और तर्क दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ही वैज्ञानिक हैं, लेकिन तर्क का जो है वो कभी सही भी हो सकता है, तर्क कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत जो है तर्क और विज्ञान से बहुत आगे सोचता है और लगभग लगभग सही बातों का आकलन करता है। इसलिए कार्ल ड्यूस कहते हैं कि सिद्धांत व्याख्या करने का प्रयास करता है, बिखरे हुए तथ्यों को क्रमबद्ध करता है तथा प्रासंगिकता की पहचान करता है। आगे अब हम लोग देखते हैं और इसलिए किसी घटना चक्र में क्या कमी है यह बताता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। अतः सिद्धांत व्यवहार का मार्गदर्शक है, व्याख्या में कुछ न कुछ जोड़ता रहता है। देखिए यह जो सिद्धांत है दोस्तों, यह क्या करता है कि कार्ल ड्यूस के अनुसार सिद्धांत जो है किसी भी चीज की व्याख्या करने का प्रयास करता है, ठीक है, और यह बिखरे हुए तथ्यों को एक क्रम में सजाता है और उसकी सच्चाई की पहचान करता है कि वो कहाँ तक तर्कसंगत है और इसमें इसके घटना चक्र में क्या कमी है, क्या समस्याएं हैं उसको सिद्धांत बताता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी भी करता है, ठीक है। अतः सिद्धांत जो है वह व्यवहार का मार्गदर्शक होता है, व्याख्या में कुछ ना कुछ जोड़ता है, मतलब सिद्धांत जो वो क्या करता है, व्याख्या मतलब विश्लेषण में कुछ ना कुछ जोड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यह जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका संबंध राजनीति से है, किसी विषय के विज्ञान या दर्शन से है जो कि राजनीति है। देखिए यह जो राजनीतिक सिद्धांत, अब हमने सिद्धांत की चर्चा कर ली, अब राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका संबंध राजनीति में मौजूद किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी विषय से है, किसी भी विषय के राजनीति संबंधी किसी भी विषय के विज्ञान से है, राजनीति संबंधी किसी भी विषय के दर्शन से है जो कि राजनीतिक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं बहुत से लोगों ने दी, अब हम लोग उसका चर्चा कर लेते हैं, उसके डिस्कस कर लेते हैं। उसकी चर्चा में सबसे पहले मैं करने वाला हूँ सेवाइन के बारे में चर्चा। सेवाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की क्या परिभाषाएं हैं? तो सेवाइन कहते हैं कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ उन सब बातों से है जो कि राजनीतिक से संबंधित या प्रासंगिक है, और संकीर्ण दृष्टि में इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से। देखिए, सेवाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका अर्थ उन सभी बातों से है जो कि राजनीतिक है या राजनीति से संबंध रखता है या फिर राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन करता है, वही राजनीतिक सिद्धांत है। अब आगे बढ़ते हैं। बलहम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या है। राजनीतिक विश्व को समझने के लिए एक वैचारिक ढांचा है, संदर्भों की व्यवस्था है जिसके बिना हम किसी घटना को यह भी नहीं कह पाएंगे कि वह राजनीतिक थी या नहीं थी, यह क्यों घटित भी अथवा अच्छी थी या बुरी थी, और न ही इस बात का कोई अनुमान कर पाएंगे कि अब आगे क्या होने की संभावना। देखिए, बलहम का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति रूपी किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या है। इस राजनीतिक विश्व को समझने का एक वैचारिक ढांचा है राजनीतिक सिद्धांत। ये जो हमारे बलहम साहब हैं वो कहते हैं कि ये राजनीतिक सिद्धांत के बिना हम किसी भी घटना के बारे में यह नहीं कह पाएंगे कि यह राजनीतिक थी या नहीं थी, यह क्यों घटित हुई अथवा अच्छी थी या बुरी थी, इस बातों का अनुमान हम राजनीतिक सिद्धांत के बिना नहीं कर पाएंगे, ऐसा बलहम का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे किनके परिभाषा हैं देखते हैं। तो अगला है एंड्रयू हैकर के अनुसार। ए सॉरी, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो एंड्रयू हैकर जो है इनके अनुसार क्या परिभाषा है, चलिए देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है, तो दूसरी और राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी की तलाश। देखिए, एंड्रयू हैकर का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य और अच्छे समाज एवं अच्छे देश की तलाश करता है, और दूसरी ओर यह जो राजनीतिक सिद्धांत है यह राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी की तलाश करता है कि आखिर राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताएं क्या है, राजनीतिक समाज में मौजूद क्या वास्तविकताएं हैं, मतलब क्या समस्याएं हैं, उन सभी को पक्षपात रहित मतलब बिना किसी पक्षपात के उन समस्याओं को खोजने का प्रयास राजनीतिक सिद्धांत करता है। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट। अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।